नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजेंद्र कुमार। दोस्तों, हमारे देश में 21 दिनों का अभी फिलहाल में लॉकडाउन चल रहा है और ये जो कोरोना का महामारी है पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले चुका है। साथ ही हमारे देश में भी इसका प्रभाव काफ़ी ज़्यादा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और 21 दिनों के लॉकडाउन के चलते हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी कामों पर नहीं जा पा रहे हैं, जिसके चलते उनकी इनकम पर बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ने वाला है। और हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अपनी कार को लोन पर खरीदे हुए हैं और उनको इस लॉकडाउन के कारण ईएमआई भरने में काफ़ी दिक्कत आने वाली है और वो अपनी ईएमआई को भरने में सक्षम नहीं है। तो इस तरह की समस्या को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा देश के जितने भी बड़े बैंक हैं उनको एक निर्देश जारी किया गया है कि अगर आप चाहें तो आपके बैंक में जो भी कस्टमर हैं जो टर्म लोन लिए हुए हैं तो उनके लोन की ईएमआई पर आप 3 महीने का मोरेटोरियम पीरियड दे सकते हैं। तो मोरेटोरियम पीरियड को अगर आप यूज करते हैं तो 3 महीने तक आपको ईएमआई नहीं देनी होगी, मतलब जो मोरेटोरियम पीरियड होगा उस समय तक आपको ईएमआई नहीं भरनी। आरबीआई ने गाइडलाइन जारी किया है कि आप जो है 3 महीने तक का मोरेटोरियम पीरियड अपने ग्राहकों को दे सकते हैं। तो 3 महीने तक मोरेटोरियम पीरियड का मतलब है कि 3 महीने तक हम अपनी ईएमआई को नहीं भी भरेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस गाइडलाइन को मानते हुए हमारे देश के लगभग सारे बैंकों ने अपने ग्राहकों को मोरेटोरियम पीरियड देने का फैसला किया है, उसमें से एक भारतीय स्टेट बैंक भी है। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि अगर आप ये मोरेटोरियम पीरियड को यूज़ करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जो 3 ईएमआई है वो माफ़ हो जाएगी। ये जो ईएमआई है आपको बाद में ली जाएगी। जैसे कि अगर आपका लोन का जो टर्म है वो 60 मंथ का है तो जो लोन आपका 60 महीने में ख़त्म होने वाला था वो लोन अब जो है 63 महीने में जा कर के ख़त्म होगा। और ये जो 3 महीने का मोरेटोरियम पीरियड जो आप यूज कीजिएगा, इस मोरेटोरियम पीरियड के दौरान आपके लोन में जो इंटरेस्ट आने वाला है वो इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपको इंटरेस्ट वहाँ पर माफ़ कर दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर कस्टमर्स को ये सुविधा दी गई है कि ये जो लॉकडाउन है और ये कोरोना का जो महामारी है जिसके चलते अगर आपके इनकम में किसी तरह का कोई इम्पेक्ट पड़ा है और आप देने में सक्षम नहीं हैं तो ये ईएमआई को आप बाद में भी दे सकते हैं और इसका जो इम्पेक्ट है वो आपके सिविल स्कोर पर नहीं पड़ेगा, लेकिन इसमें जो इंटरेस्ट बैंक को बनता है वो इंटरेस्ट आपको चुकाना होगा। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम एसबीआई कस्टमर्स के लिए बात करेंगे कि अगर आप कार लोन एसबीआई बैंक से लिए हुए और अगर आप अपने लोन पर डिफरमेंट करवाना चाहते हैं तो क्या प्रक्रिया है और किस तरह से आप कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी लॉकडाउन चल रहा है तो हम घर से बाहर जा भी नहीं सकते हैं, तो घर से ही हम घर में बैठे बैठे ये जो 3 मंथ का मोरेटोरियम पीरियड है, मतलब कि ईएमआई का जो डिफरमेंट प्रोसेस है, वो घर बैठे हम कैसे कर सकते हैं, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। और आज हम जो है एसबीआई बैंक के बारे में जानेंगे, तो लगभग सारे बैंकों का एक ही प्रोसेस है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं और वहां जाकर के देखते हैं कि ये किस तरह से हमें करना है और घर बैठे हम अपने ईएमआई को डिफर करवा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले कंप्यूटर के स्क्रीन पर चलते हैं। तो दोस्तों, आप भी अपने मोबाइल या लैपटॉप पर क्रोम ब्राउजर को खोल लीजिए और यहाँ पर आप जो सर्च बार है वहाँ पर आप सर्च करिए कि SBI लोन EMI डिफरमेंट फॉर्म, ये आपको सर्च करना है। मैं पहले भी एक बार सर्च कर चुका हूँ, तो ये इस तरह से आपको सर्च करना है। इसको लोड होने देते हैं। यहाँ पर ये खुल चुका है और यहाँ पर जो फर्स्ट नहीं सेकेंड जो रिजल्ट है COVID-19 EMI डिफरमेंट SBI, इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। और इनको ध्यान से पढ़िए कि आपको अपने लोन का डिफरमेंट करवाना है या नहीं करवाना है। अगर करवाना चाहते हैं तो यहाँ कुछ फॉर्म आपको उपलब्ध कराए गए हैं, Annexer 1, Annexer 2, Annexer 3 और Annexer 4। तो ये फॉर्म है, इनको डाउनलोड आपको करना होगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन है उसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो कस्टमर हु वांट टू डिफर रिकवरी ऑफ इंस्टॉलमेंट ऑब्लिक ईएमआई
NACH, where collections of such installment EMI is effected through the National Automated Clearing House NACH specified email ID. मतलब यहाँ जो एक ईमेल आईडी आपको दिया गया है, जो कि एनेक्सर 2 में यहाँ दिया गया है, लिस्ट ऑफ स्टेट और यूटी स्पेसिफिक ईमेल आईडी। यहाँ जो आपका रीजन का जो ईमेल आईडी है, उस ईमेल आईडी पर एनेक्सर 1 जो फॉर्म है उसको भर करके और साइन कर करके आपको ईमेल करना होगा। तो ये यहाँ पर लिखा गया है। तो यहाँ पर प्लीज सबमिट एन एप्लीकेशन एनेक्सर 1 थ्रू एन ईमेल टू द स्पेसिफाइड ईमेल आईडी। तो ये सेम चीज़ है जिसको मैं अभी बता रहा था। और उसके बाद है कस्टमर हु वांट टू रिफंड द इंस्टॉलमेंट स्लैश ईएमआई ऑलरेडी पेड। अगर आपकी ईएमआई बैंक पहले ऑलरेडी काट चुकी है तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो उसके लिए भी आपको एप्लीकेशन एनेक्सर 1 को ही भरना है और उसको ईमेल करना है। जो आपके रीजन का ईमेल आईडी यहां पर दिया गया है, उस ईमेल आईडी पर आपको सबमिट करना है। ये आप अपने घर से ही कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ टर्म एंड कंडीशन है, उसको आप पढ़ लीजिए। इम्पैक्ट इन केस ऑफ ऑटो लोन, अगर आप ऑटो लोन लिए हुए हैं तो 3 महीने का मोरेटोरियम पीरियड आप यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको यूज करते हैं तो इसका इम्पैक्ट आपके लोन पर क्या पड़ सकता है। तो ये यहाँ पर स्पष्ट लिखा गया है कि अगर आप 6 लाख का लोन लिए हुए हैं और आपकी मैच्योरिटी 54 मंथ्स में होने वाली है, और अभी 3 महीने का अगर आप डिफरमेंट करवाते हैं, तो ये आपके लोन में 19,000 का लगभग इंटरेस्ट लगेगा, जो कि 1.5 महीने के 1.5 मंथ के ईएमआई के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आपको समझना जरूरी है। लेकिन अगर आप होम लोन लिए हुए हैं तो यहाँ पर स्पष्ट लिखा गया है कि इम्पैक्ट इन केस ऑफ होम लोन फॉर ए लोन ऑफ 30 लाख विथ ए रिमेनिंग मैच्योरिटी ऑफ 15 ईयर्स द नेट एडिशनल इंटरेस्ट वुड बी अप्रोक्स 2.34 लाख, जो कि 8 ईएमआई के बराबर होगा। तो ये बहुत बड़ा इंटरेस्ट है, तो आप सोच समझ कर ही लोन के ईएमआई को डिफर करवाएं। अगर आपके पास कैश की दिक्कत नहीं है तो आप जो आपकी लोन है उसको डिफरमेंट ना ही करवाएं तो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी मोटी तगड़ी इंटरेस्ट जो है आपको भरनी पड़ सकती है। फिर भी अगर आपके पास में दिक्कत है, आप नहीं ईएमआई पे कर पाएंगे, तो यहाँ पर एनेक्सर 1 फॉर्म है, आप इसको डाउनलोड कीजिए। चलिए इसमें एक बार हम लोग क्लिक कर लेते हैं। जब आप उसमें क्लिक करेंगे तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरह का फॉर्म आपको मिलेगा। ब्रांच ऑब्लिक चीफ मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आप जिस बैंक में आपका खाता है, जहां से आपकी ईएमआई को काटी जाती है, उस ब्रांच का नाम यहां पर लिखना है और उसका सर्कल लिखना है। उसके बाद यहाँ पर डियर सर, होम लोन ओब्लिक कार लोन ओब्लिक एक्सप्रेस क्रेडिट एजुकेशन लोन पेंशन लोन एंड अदर लोन, उसके बाद यहाँ लोन अकाउंट नंबर, तो यहाँ पर जो भी आपका लोन का अकाउंट नंबर है वो लिखेंगे। इन द नेम ऑफ, किनके नाम से ये लोन अकाउंट ओपन है, तो उनका यहाँ पर नाम लिखा जाएगा। नीचे में कुछ टर्म एंड कंडीशन है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। एंड यहाँ जो दूसरा पॉइंट है, प्लीज़ रिफंड द अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट ऑलरेडी रिकवर्ड फॉर द मंथ ऑफ, अगर आपके मार्च महीने की इंस्टॉलमेंट काट ली गई है तो यहाँ पर लिख दीजिए मार्च मंथ, और अकाउंट नंबर यहाँ पर लिख दीजिए, और इसके बाद नीचे यहाँ पर आप साइन कर दीजिए, सिग्नेचर ऑफ फर्स्ट ब्रावर और सिग्नेचर ऑफ सेकेंड ब्रावर। तो अगर कंबाइंड लोन है तो दोनों को यहाँ साइन करना होगा, अगर इंडिविजुअल लोन है आपके नाम पर है तो यहाँ पर आप साइन कर देंगे, आप अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डाल देंगे, और इसको भरने के बाद आप स्कैन करके लिस्ट ऑफ, यहाँ पर ईमेल आईडी दी गई है, आप यहाँ पर आपका जो क्षेत्रीय कार्यालय होगा जहाँ की ईमेल पर आपका वो जो स्कैन किया हुआ फॉर्म भर के आप जो सेंड करेंगे, तो हम मेरा जो है वो बिहार झारखंड है और ये पटना रीजनल सेंटर में हमको भेजना है। तो ये जो ईमेल आईडी यहाँ दी गई है, इस ईमेल आईडी पर वो जो एनेक्सर 1 फॉर्म है उसको भर के स्कैन करके और फिर मुझे इस ईमेल पर भेजना होगा।
और उसके बाद 2 से 3 दिनों के बाद में आपको मैसेज के थ्रू बैंक की तरफ से आपको कंफर्मेशन आ जाएगा कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट कर ली गई है या फिर रिजेक्ट कर दी गई है। तो ये तरीका है। और यहाँ पर एनेक्सर 3 है, एनेक्सर 4 है, कुछ प्रश्नों के जवाब होंगे तो ये सब आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मेन आपका एनेक्सर 1 और एनेक्सर 2, बस यही दो ही काम आपको यहाँ पर करने हैं और आपको सबमिट कर देना है। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैं दोस्तों एक चीज आप लोगों को एडिशनल और बताना चाहूंगा कि ये जो EMI डिफरमेंट है वो आप सिर्फ टर्म लोन में ही करवा सकते हैं। टर्म लोन कहने का मेरा मतलब है कि लोन जो है वो बैंक दो तरह की देती हैं, एक डिमांड लोन देती हैं और एक टर्म लोन देती हैं। डिमांड लोन जो है वो 1 साल के लिए होता है या फिर 1 साल के नीचे के लिए होता है, तो उसको हम लोग डिमांड लोन बोलते हैं। और 1 साल से ऊपर के लिए जो लोन दिए जाते हैं बैंकों की तरफ से उनको जो है टर्म लोन कहा जाता है। तो ये जो EMI का डिफरमेंट का जो सिस्टम आया हुआ है, मोरेटोरियम पीरियड जो आपको मिलेगा वो सिर्फ टर्म लोन पर मिलेगा, आपको डिमांड लोन पर नहीं मिलेगा। और जो भी आपका मोरेटोरियम पीरियड रहेगा उसमें जो बैंक की तरफ से जो इंटरेस्ट लगना है वो इंटरेस्ट आपको लगेगा ही लगेगा, वो आपको पेड करना होगा। वो आपके लिए किसी तरह का कोई माफी उसमें नहीं है। लेकिन अगर आपके पास में अभी कैश की दिक्कत है, आप सक्षम नहीं है EMI भरने में, तो आप 3 महीने का मोरेटोरियम पीरियड को यूज कर सकते हैं, जिसके कारण आपका जो ओवरऑल सिविल स्कोर होगा वो खराब नहीं होगा, उस पर कोई भी इम्पेक्ट नहीं पड़ेगा। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपको हेल्प जरूर मिली होगी। और आप अगर EMI को डिफर करवाना चाहते हैं तो इसको समझने में आपको आसानी हुई होगी और आप किस तरह से EMI को डिफर करवा सकते हैं। तो मिलते हैं इसी तरह के किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय झारखंड, वंदे मातरम।